क्या हुआ यार? इसके एक सर में ना बहुत ज्यादा पेन हो रहा है, दिन ब दिन इसका सर का दर्द बढ़ता जा रहा है यार। गलती भी तो इसकी है, दवाइयां टाइम से नहीं लेती है। मेरी जान रुक जाओ, मैं तुम्हें खाना दे दूं, खाना देने के बाद फिर दवाई खाता हूँ, मेरी जान ठीक हो जाओगी। नहीं खानी गोलियां, उससे मैं बिल्कुल स्लो हो जाती हूँ। तो स्लो हो जाओ, कोई मसला नहीं, मुर्तसिम को मैं देख लूंगा ना। बेचारा तो इतना सोता है, उसका थोड़ा टाइम खेलने का होता है, मैं उसमें भी सो जाऊं। अभी तुम दवाई खाओ, तुम 12 घंटे सो जाना, ठीक है, सुकून से। मैं जा कर हूँ, मैं उसको देख लूंगा, उसके बाद जब तुम उठोगी तुम उसको देख लेना, ठीक है? मैं अभी तुम्हारी मालिश भी कर देता हूँ, ठीक है? मालिश भी कर देता हूँ मेरी। टेंशन नहीं लो, ऐसे होते नहीं है। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू द न्यू व्लॉग। कैसे आप लोग? उम्मीद करता हूँ सब लोग खैर खैरियत से होंगे और अपने घर वालों के साथ खुश होंगे। और जो भी नए हैं इस चेहरे को देखने आए हैं उनको दिल से वेलकम है। और सबसे पहले आपने कुछ भी नहीं करना, सबसे पहले आपने इस रेड वाले बटन को दबा के उसको सब्सक्राइब जिस पे लिखा हुआ है उसको सब्सक्राइब करना है। सब्सक्राइब करने के बाद आपने नीचे बेल का आइकन को भी दबाना है ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों तक आता रहे। इससे ये होगा आप लोगों की जो ज़िंदगी होगी वो भी अच्छी गुजरेगी और हमारी ज़िंदगी भी जो है वो थोड़ी सी अच्छी गुजरेगी और हमारी जो डेली लाइफ व्लॉगिंग है उसको भी शायद आप इंजॉय करते होंगे जब भी आप लोग देख रहे हो। तो अगर इंजॉय करते हो तो सब्सक्राइब भी कर दो। सब्सक्राइब से यार आपका तो कुछ भी नहीं जाएगा, हमारा थोड़ा सा फ़ायदा हो जाएगा, तो यार कर दो सब्सक्राइब। यार सीन कुछ ऐसा है, अभी काम से आया हूँ मैं, तो मल्लू की तबीयत जैसे कि आप उन लोगों ने देख ली है बहुत ज़्यादा ख़राब है। वो बेचारी थोड़ा ना सर के दर्द से वो हो रही है, तो अभी उसको खाना वाना दे के, मल्लू की जो है बहन आई हुई है तो वो खाना वाना गर्म कर रही है। अभी मैं काम से, मेरी ड्यूटी जो है वो फ्री है, मुझे काम नहीं करना पड़ा, वो बेचारी काम कर रही है, तो वो खाना दे दे, फिर उसके बाद उसको मेडिसिन देना। और बाकी कुछ दिन के बाद इंशाल्लाह उसका ट्रीटमेंट स्टार्ट होगा मल्लू का प्रॉपर, तो अल्लाह मालिक है, सब खैर खैरियत होगा और अल्लाह पाक जो है उसको सेहत दे। तो चलो आ जाओ, अभी फ़िलहाल खाना खाते हैं, खाना खाने के बाद बिल्कुल मेडिसिन वगैरह देते हैं, उसको सलाते हैं, फिर आगे की बात करते हैं। आ जाओ। हाँ जी, तो भाई खाना जो है वो रेडी हो चुका है, मेरे को हंसी आ रही है आज ना, मेरे को बड़ा ना ऐसा फील हो रहा है जैसे कि मैं ससुराल आया हूँ। जैसे कि दूल्हा अपने ससुराल नहीं जाता तो उसको कैसे स्पेशल ट्रीटमेंट दी जाती है। देखो दाल चावल ये नगेट्स चाहिए थे मुझे, नगेट्स भी बन गए। मतलब यार ऐसी स्पेशल ट्रीटमेंट मिलती है ना तो बड़ा अच्छा लगता है। बोले तुम्हारा खाना खाया जाए, ला रही है खाना, ना क्या हो गया? सर में दर्द हो रहा है यार। आ जाओ बोलो, खाना रेडी है तुम्हारा भी। आ जाओ आ जाओ जान, खाना रेडी है। चलो गाइस खाना वाना खाते हैं, खाने के बाद आप लोगों से बात करते हैं। अरे तो खाने वाने का तो सीन हो गया था, अभी जो है मैं नमाज़ पढ़ रहा था, नमाज़ पढ़ते और मुर्तसिम मेरे पास आ गया, मतलब अभी तक नमाज़ पूरी हुई नहीं थी और मेरे गोद में आके चढ़ गया, फिर दुआ भी मेरे साथ ही मांगी। मुर्तसिम जान ने मेरे साथ मिलके दुआ मांगी, अल्लाह पाक दुआ कबूल करेगा इंशाल्लाह। तो चलो अभी चाय वाय का सीन है, चाय वाय पीते हैं और उसके बाद जाना है बाहर, कुछ दवाइयाँ वगैरह भी लेनी है और डॉक्टर को एक बार चेकअप भी करवाना है, उसके बाद थोड़ा बहुत सामान है घर का वो भी लेके आना है। तो चलो चाय वाय पीते हैं उसके बाद मुलाकात करते हैं, जुड़े रहो और सब्सक्राइब कर दो। कर दो यार, एक ही बटन है, तुम्हारा कुछ भी नहीं जाएगा, मेरा फ़ायदा हो जाएगा, कर दो सब्सक्राइब। ओके गाइस सब्सक्राइब कर। बाबा को देख यार। तो गाइस ये चाय है,
मैं अक्सर वैसे ज़्यादा चाय पीता नहीं हूँ, लेकिन हमारी साली साहिबा है माशाल्लाह बहुत अच्छी चाय बनाती है, अल्लाह इसको इज्जत दे, इसके नसीब अच्छे करे। तो ये चाय रखी हुई है और ये इनकी चाय रखी हुई है और ये हमेशा ना किसी न किसी मसले में रहती है, हमेशा किसी न किसी मसले में, उससे मसला उससे मसला। ओ गाइस एक दूसरा सीन है, गया चाय गई चाय गई चाय गई, बच गई, यूं पकड़ लिया था इसने, यूं झपट्टा मार दिया था, यूं यूं खींचा इसने, बैठना है कोई बात होती है वरना। मैं काम पे जाता हूँ ना, वहाँ अक्सर लेडीज आके ना मुझसे फिर डिस्काउंट ले लेती है मुर्तसिम के नाम से। यार ऐसे नहीं करो, मुर्तसिम के नाम पे डिस्काउंट ले, मुर्तसिम का नाम आ जाता है फिर तो मैं वहीं पिघल जाता हूँ। देखो कैसी शक्ल है इसकी, शक्ल देखिए कौन नहीं पिघलेगा। तो इसका नाम सुनने में पिघल जाता हूँ मेरा मासूम बच्चा। चाय पी लो, आप चाय पी लो, माइकल जैक्सन रुक जा, माइकल जैक्सन। तो अभी ना ऑलरेडी इतना ज्यादा ट्रैफिक हो रहा है, बहुत ज्यादा मुझे पता है, वो कह रहा है कि हम तुम्हारी अम्मी की तरफ जा रहे हैं, इसलिए मैं भूल ले रहा हूँ कह तो अम्मी घर खा लिया था जाऊँगा, बट उसको मुझे पता है वो मेरी अम्मी के लिए भूखे तो बिल्कुल भी नहीं लेगा, वो डेफिनेटली ये मेरे लिए ले रहा है, और अगर वो मेरे लिए ले रहा है ना तो भाई जो लोग बोलते हैं ना कि तो पीडो फाइल है तो ये तो वो तो बकवास, फजूल आदमी इतना बकवास करते हैं तुम्हारी, देख लो तुम चिराग लेके भी ढूंढो ना पूरा इंस्टाग्राम तुम्हारे पास में, तब भी ऐसा लौंडा नहीं मिलेगा, समझ गए। तो अब देखो वो स्कूल वाले को मना रहे थे मुझे वो वाले सारे फ्रूट चाहिए, लेकिन वो दे नहीं रहा है, तो मतलब ऐसा लड़का नहीं मिल सकता। मैं बाहर ब्लॉगिंग नहीं करती, लेकिन अभी अंदर करे जा गई कि मैं बाहर भी ब्लॉगिंग कर रही हूँ, वो पता नहीं क्या बहस कर रहा है, बचपन में बात कर रहा है, कान के लिए बचपन में क्या बात, चाचा नहीं मान रहा है वो सारे फूल देने के लिए, मुझे तो समझ आ रहा है कि वो कस्टमर कह रहा है कि मुझे वो वाले फूल चाहिए रेड नहीं चाहिए, पता नहीं चाचा क्या चाह रहा है। चाचा बड़ा ये बूढ़ा अरबी में बहुत बोलता है, अभी देखते हैं कि क्या होता है फिर। अब मुझे ज़्यादा लग रहा है कि कस्टमर में बहस शुरू हो गई, मुझे ज़्यादा समझ आ रहा है वो चाचा बोल रहा है कि वो फूल बहुत मुश्किल से मिलते हैं, वाले फूल में सारे नहीं देते, लेकिन आज बोला मुझे वो चाहिए, मतलब मुझे वाले फूल फालतू है, मैं किसी भी दुकान से ले सकता हूँ, मैं किसी भी फूल आया हूँ, मैंने मुझे बस इतना समझ आया बहुत क्या बात करें मुझे नहीं पता, लेकिन अब मैं चाहती हूँ कि हाथ इस दुकान से फूल ना लूँ। हाँ उसका दिल ही नहीं कर रहा बेचने का, वो तो मुझे समझ आ गया था कि तुम उससे कस्टमर में बहस करो लड़े, वो बहस कर रहा है उसको पता नहीं पता किसने बिठा दिया उसको यार। तो गाइस वही हुआ जिसका मुझे डर था, वो हाथ को मेरा दिल ही नहीं कर रहा था उससे बात करने का, इतनी बदतमीजी से बात कर रहा था जाहिल सा बच्चा, वो हाथ को बोल रहा था कि फूल है वाइट वाले वो 1000 रुपए की एक कली है, और नहीं एक बोल रहा है कि एक कली जो है सिर्फ एक, हाँ वो 500 की है, अच्छा फिर ये 150 आया कह रहा है वो 1000 रुपए की, 1000 रुपए की। मैंने बोला तुम लोग खुद कन्फर्म नहीं हो गए कितने की, तो सारे फूल मिला के वो कह रहे 50,000 की हो गई। हाँ तो इसी बात पे हम इस बात को करते खाता हूँ। मैंने पूरे रस्ते ना सुन हो के आया मुर्तसिम, अभी भी सुन ले, अभी हो सके तो यार ज्यादा अच्छा, यार ये अभी हम लोग चश्मा बनवाने आए हैं बलुआ, जो बिल्कुल क्लियर दिखे उसका बताना फिर, ये नंबर आगे पीछे हो जाएगा ना, ब्लर दिख रहा। आपने क्या नंबर बताया था? 0.5 और 1.5। अब मुझे याद नहीं कौन सी आंख का कौन सा देखा ना, जो आपने मुझे नंबर बताया था उसने वो लगाया था। सो ही फाइंड इट अगेन, तो यस उसको दोबारा मिल गया ये फूल, अब मुझे ये पता से कौन सा लिया है, बट मुझे जेन्युइनली या तो वो पिंक या तो वो ब्लू पसंद आ रहा है, बट आई वुडंट आस्क हिम एनीथिंग, अगर वो ऑलरेडी कुछ और ले रहा है और अगर मैं उसको बोलूँगी तो ये बहुत बुरा फील होगा,
जो मुझे चाहिए था वो वाइट है और जिसमें वाइट उसको मिल रहा है तो आई विल बी हैप्पी। मुझे नहीं पता वो क्या बनवा रहा है, हंस रहा है तो मतलब कुछ अच्छी बात है, वो तो कुछ बनवा रहा है जो तो मुझे कुछ अच्छा लग रहा है। अब मुझे नहीं पता वो क्या बनवा रहा है। क्योंकि मुझे वो देख रहे हो गाइस तुम लोग, ये वाला जो फूल था मुझे ये चाहिए था, पर जब मैं यहाँ पे मुझे ये वाला फूल अच्छा लगा तो मैंने फर्स्ट टाइम मुझे कोई रेड के अलावा फूल पसंद आया, बट बस ये क्यूट लग रहे हैं, बट ये बेबी शावर वाले फूल भी हमें नहीं चाहिए। बस पहुँच चुके हैं, हालत में देख रहे हैं बहुत ज़्यादा मट्टी मट्टी उड़ उड़ के मुंह पे लगी है, जैसे कि मैंने आप लोग को बोला था, आप लोगों को नहीं बोला था सॉरी, अपनी बीवी को बोला था कि मेरा ईगो हर्ट हुआ है, तो आज ही की डेट में तुम्हें यही सेम फ्लावर मिलेंगे। कैसे लग रहे हैं तुम्हें फ्लावर? बहुत प्यार है ये वाले फ्लावर, मेरा हैप्पी। हाँ मुझे पता नहीं था कि ये वाले फ्लावर तुम पसंद है, वरना लेके आता मैं हर बार। फर्स्ट टाइम मैंने, मैं हमेशा जो ना मूवीज में देखती थी, आज मुझे लेती हूँ। उस बंदे ने बोला है कि इसको अगर रखोगे ना एहतियात से तो एक साल तक भी ख़राब नहीं होगा। पानी में रखना? नहीं नहीं पानी में नहीं रखना, ये ड्राई फ्लावर होते हैं, इसको ऐसे ही रखो। तो चलो गाइस, कभी घर वाले कोई फरमाइश करें ना तो पूरी कर दिया करो, छोटी छोटी चीज़ों से बड़ी ज़्यादा खुशियाँ बढ़ जाती हैं। बल्लू मेरा शहजादा लो लाए, निपटाते हैं ठीक है। सामान वामान तो नहीं ला पाए, बस वही गए इसका फ्रेम वगैरह बनवाया, और वो बल्लू के जो है हम मम्मा के घर गए, वहाँ से होने के बाद हम लोग डायरेक्ट घर आए अभी, तो अभी वो कल जाएंगे। तो अभी फ़िलहाल जो है रात बहुत हो चुकी है, सोने का टाइम है तो सो जाते हैं और उसके बाद कल मिलते हैं। अभी से वापस आ गया तो अभी मुझे याद आया कि बल्लू को दवाई खानी है, बल्लू को दवाई खानी है और सोने से पहले दवाई लाजमी खानी होती है, और उसके वेट गेन के लिए मैं लाजमी उसको दो टाइम पे उसको जूस देता हूँ। एक टाइम पे मिस हो गया था कि आज मैं सुबह जल्दी उठ के 8 बजे काम पे गया हुआ था, तो अभी मैंने बोला ये वाला टाइम मिस नहीं कर सकते क्योंकि उसकी दवाइयाँ बहुत ज़्यादा हैवी होती हैं। बोले अभी जूस बनाते हैं। अली फील है, खाना भी नहीं खाया तुमने, मैंने खा लिया था। एक गिलास है पता भी नहीं चले, नहीं उड़ेगी। वाह जूस से नींद आती है, नींद वो थोड़ी होती है बहुत की थोड़ी। लो गाइस बलू को जो है अभी ये दे के जूस दे के फिर उसके बाद उसको गुड नाइट करते हैं ताकि वो सो जाए। मेरे ख्याल से वो अभी से ही सो गई है शायद। हाँ भाई किधर किधर जा रहे हो? मैंने बोला था ना सो गई है ये। हेलो हेलो ये लो उठो, शाबाश बेटा कहाँ है? बेटा तुम्हारा खेल ला, ये लो। तो को पता नहीं है बेटा कहाँ है, खाना खाया। अच्छा चलो थोड़ी देर मैं खेल लूँ इसके साथ, चलो गाइस इसको जूस पिला के फिर दवाई देते हैं, उसके बाद जो है हम भी गुड नाइट करके सो जाते हैं, मतलब पहले मुर्तसम को सुलाते हैं और उसके बाद सो जाते हैं। तो चलो मिलते हैं सुबह, अब सुबह ही मिलेंगे, शायद उससे पहले मिल लें, देखते रहो शायद उससे पहले मिल लूँ। तो एक काम करो इसी कश्मकश में तुम जब तक जो है सब्सक्राइब कर दो यार, कर दो सब्सक्राइब बस ठीक है। गुड मॉर्निंग गाइस, सुबह हो चुकी है। तो जो लोग भी बोलते हैं कि यार आपकी बीवी जो है काम नहीं करती, आप सारा काम करते हो, पागलों की तरह पूरे घर का झाड़ू पोछा कर रहे होते हो, तो मैं उन लोगों को बता दूं कि यार मेरी बीवी भी काम करती है, हम दोनों मिल के काम करते हैं, हम दोनों अकेले होते हैं इसलिए मिल बांट के काम करते हैं। तो ये देखो अभी मेरी बीवी मेरे लिए नाश्ता बना रही है। तो गाइस ऐसे गलत गलत कमेंट नहीं किया करो यार, बुरी बात है यार, ऐसी अच्छी बात नहीं होती। क्या तुमसे जेलस होते हैं ये? YouTube स्टूडियो में ना एक कॉमेंट पढ़ रही थी। क्या? हाँ आप अपने बच्चे को तमीज़ से नहीं खिलाते, बच्चे से खिलाने की तमीज़ नहीं है, लिटा के कौन खिलाता है। अच्छा एक बात है,
कि दूसरों की माँ मतलब दूसरी माँ को बोलना तो इनके लिए बहुत आसान है, तो मोबाइल चलाते हो, ब्लॉग देखते हो, कमेंट कर रही हैं, ठीक है, और तमीज़ से छोटे बच्चे को लिटा के नहीं खिलाते तो कैसे? सही बात है। और मैं कैसे खिलाऊँ जब वो ऐसे ऐसे कर रहा है? कह रहे हैं कि उसके हाथ अपने पाँवों के नीचे रखे, तो उसके पाँवों पर उसके हाथों पर चढ़ी हुई थोड़ी हूँ वो, बस या तो गाइस वो तरीका ये होता है कि वो अपने मुंह पे हाथ मारता है, पूरे कपड़े उपड़े गंदे करता है, और वो जब लेट जाता है तो बहुत सुकून से अपना खाना फिनिश करता है। तो मतलब यू आर नॉट अ मॉम राइट नाउ, तो यू डोंट नो हाउ टू हैंडल दिस थिंग। मतलब बहुत सारी औरतों को और भी बोलते हैं कि यहाँ मॉम तुम हो या मैं हूँ? मैं हूँ। तो गाइस मॉम के लिए ऐसी बातें नहीं किया करो, मैं मॉम हूँ, मुझे पता है कि किस तरह से बच्चों को पालना होता है। चलो गए थे अभी नाश्ता वाश्ता करते हैं, फिर इस व्लॉग को यहीं पर ही समाप्त करते हैं, और सब्सक्राइब कर दो जब तक हम लोग नाश्ता करते हैं, थोड़ी बहुत गुफ्तगू और करेंगे और उसके बाद व्लॉग को एंड कर देंगे। आ जाओ नाश्ता करते हैं। अपने पास नाश्ते में हलवा पूरी है, और ये मैं अपने लिए केक लेके आया हूँ। यार काफ़ी दिनों से अंडा खाने का मेरा दिल नहीं कर रहा था, क्योंकि इस टाइम पर बड़ी गर्मी गर्मी सी हो रही होती है, तो मैंने बोला यार चलो केक और रोटी ट्राई करें, और ये केक है और ये रोटी है, इस केक को मैं रोटी के साथ मिला के खाऊंगा, तो गाइस बड़े मज़े का होता है, खा के ट्राई करना। ये लोग हलवा पूरी खाएंगे, महाजर लोग हैं ना ये हलवा पूरी नहीं हो तो इन लोगों का वो नहीं होता, और मैं पठानी खाना खाऊंगा। एटलीस्ट मैं रोटी से केक तो नहीं खाती, एटलीस्ट मैं रोटी से चावल तो नहीं खाती, एटलीस्ट मैं रोटी से बिस्किट तो नहीं खाती, एटलीस्ट मैं रोटी दही में भिगो तो नहीं खाती, तो बकवास नहीं खाती। तो यही तो जिंदगी का मजा है। और काटू नहीं, बस बहुत। चलो गए अभी नाश्ता वाश्ता करते हैं। अच्छे से बहुत ज़्यादा तंग हूँ, ये घर के सारे कचरे ना उठा उठा के खा रहा होता है, मुझे लग रहा है डस्टबिन उठा के बाहर फेंक देता हूँ और उसको एज अ डस्टबिन यूज़ कर देता हूँ, क्योंकि सारे कचरे देख रहे हैं उसका मुँह। इलेक्ट्रॉनिक क्लीनर है हमारे घर में, सारा कचरा उठा उठा के मुँह में डाल रहा होता है बस। क्या कर रहे हो, गंदे कपड़ों का क्या हाल किया है? लगा के चेक कर। मुत्तसिम बेबी अपना सनग्लासेस तो ये पहनता नहीं है, नजर का चश्मा हटा लो। तो गाइस सीन ऐसा है, बस इस व्लॉग को करते हैं यहीं पर ही एंड। उम्मीद करता हूँ व्लॉग आप लोगों को पसंद आ गया होगा। अच्छा लग रहा है चश्मा? हाँ प्यारा लग रहा है माशाल्लाह। गाइस आप लोग कमेंट में बताओ कि इसका फ्रेम जो है वो अच्छा लग रहा है कि नहीं। कोई नहीं, कल मामू तो इतना बुरा बुरा बोल रहे थे कि इतना छोटा मुंह। नहीं यार बहुत प्यारा लग रहा है, जोकर तो नहीं। कमेंट में बताओ फ्रेम अच्छा लग रहा है कि नहीं, और ये फ्रेम मुर्तसिम पे अच्छा लगा कि नहीं, और आप लोगों का क्या ख्याल है, एज अ डस्टबिन इसको यूज़ करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, कमेंट में कर दो कोई भी कमेंट। और उम्मीद करता हूँ सब्सक्राइब अब तक कर दिया होगा आप लोगों ने, छोटे से ब्रेक के बाद आया हूँ, सब्सक्राइब आप लोगों ने कर दिया होगा। अभी सीन ऐसा है, बाहर जाना है, सामान वामान लेके आना है, और वो नेक्स्ट व्लॉग पर आप लोगों को दिखाऊँगा, कल के व्लॉग में आप लोगों को दिख जाएगा। तो व्लॉग को करते हैं यहीं पर एंड, सब्सक्राइब कर दो यार, लाइक कमेंट भी कर दो, खुश रहो आबाद रहो, दुआ में याद रखो, बाकी कमेंट में कुछ भी चलेगा। हाय हेलो अस्सलाम वालेकुम सब, अल्लाह हाफिज़।